नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। अगर आप कोई काम मन लगा कर करें तो सफलता जरूर मिलती है, और ऐसी ही कामयाबी हासिल की है पंजाब के जालंधर के सरकारी हाई स्कूल के कंप्यूटर टीचर ने। कंप्यूटर टीचर हरजीत सिंह ने पंजाबी बोलने और समझने वाला दुनिया का पहला रोबोट बनाया है, जिसका नाम सरबंस कौर रखा गया है। सरबंस कौर नाम सुनने पर ये रोबोट एक्टिव होता है और फिर पंजाबी में सवाल पूछने पर जवाब भी इसी भाषा में देता है। इतना ही नहीं, शुरुआत में सत्य श्री अकाल से लेकर रोबोट गुरबाणी भी सुनाता है। इस रोबोट को बनाने में करीब 50,000 रुपए खर्च हुए हैं। इस रोबोट को तैयार करने में टीचर हरजीत सिंह को करीब 7 महीने का समय लगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को पंजाबी में ट्रांसलेट किया। इसी लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने रोबोट तैयार किया। रोबोट को आवाज़ हरजीत सिंह की पत्नी जसप्रीत कौर ने दी है। पहले उन्होंने पत्नी जसप्रीत की आवाज़ को रिकॉर्ड किया, फिर उसमें थोड़ा सुधार करके रोबोट में फीड किया। इस रोबोट का इस्तेमाल धार्मिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर गाइड की तरह किया जा सकता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से बातचीत कर उनके अकेलेपन को भी दूर करने में ये रोबोट मदद करेगा। हरजीत सिंह के मुताबिक सरबंस कौर रोबोट में हम जो भी फीड करना चाहें कर सकते हैं, जिसके बाद जब भी उससे पूछा जाता है तो वो अपने डेटा बेस से उसका सही उत्तर ढूंढकर जवाब देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।